नमस्कार, मैं शशि प्रभा सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। प्रिय बच्चों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज की इस व्याख्यान माला में हम पढ़ने जा रहे हैं जैनेन्द्र जी को। जैनेन्द्र जी की प्रसिद्ध कहानी है पाजेब। पाजेब कहानी का मूल उद्देश्य, उसकी मूल संवेदना के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद जी के पश्चात मनोवैज्ञानिक कहानी की जो धारा प्रवाहित हुई है, जैनेन्द्र जी उसके अग्रणी कलाकार थे। फिर कहानी को व्यक्ति के बाहरी जीवन के यथार्थ से हटाकर व्यक्ति के मन की गहराई में ले गए। व्यक्ति की मानसिक आकृतियों को उन्होंने कहानी का कथ्य विषय बनाया। जैनेन्द्र जी के लिए व्यक्ति की भीतरी दुनिया उसके बाहरी परिवेश की अपेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। उनकी कहानियों में मनोविज्ञान के साथ दर्शन का भी समावेश है, इसलिए उनका दार्शनिक मन व्यक्ति के जीवन में छोटी छोटी घटनाओं को गहरी अर्थवत्ता देने के लिए कहानी का ढांचा तैयार करता है, जो उन्हें हिंदी का विशिष्ट कहानीकार सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। पाजेब जैनेन्द्र जी की महत्वपूर्ण और चर्चित कहानी रही है। इसमें कहानीकार ने स्पष्ट किया है कि अपराधी के प्रति करुणा होनी चाहिए, रोष का अधिकार नहीं है। प्रेम से ही अपराध वृत्ति को जीता जा सकता है, आतंक से उसे दबाना ठीक नहीं है। इसी भाव को कहानीकार निरूपित करता है। मैं कुछ बोला नहीं, मुझे मालूम होता था कि ठीक इस समय आशुतोष को हमें अपनी सहानुभूति से वंचित नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ अतिरिक्त स्नेह इस समय बालक को मिलना चाहिए। मुझे ये एक भारी दुर्घटना मालूम होती थी। मालूम होता था कि अगर आशुतोष ने चोरी की है तो उसका इतना दोष नहीं है, बल्कि ये हमारे ऊपर बड़ा भारी इल्जाम है। बच्चे में चोरी की आदत भयावह हो सकती है, लेकिन बच्चे के लिए वैसी लाचारी उपस्थित हो आई और कहीं ज्यादा भयावह है। यह हमारी आलोचना है, हम उस चोरी से बरी नहीं हो सकते। कथानक की दृष्टि से देखें तो पाजेब कहानी एक सफल कहानी मानी जा सकती है। इसके कथानक का आधार पाजेब की जोड़ी में से एक पाजेब गायब हो जाना है। मतलब पाजेब की जो जोड़ी है, दोनों में से एक गुम हो जाती है और एक रह जाती है। बुआ मुन्नी के लिए बाजार से पाजेब खरीद कर लाती है। मुन्नी पाजेब को देखकर तथा पहनकर बहुत खुश होती है। फिर वह पाजेब खोने के भय से उतार कर रख देती है। शाम के समय बुआ चली गई, लेकिन रात को ही लेखक की पत्नी ने बताया कि संभाल कर रखी पाजेब की जोड़ी में से एक पाजेब गायब है। एक नहीं मिल रही है, एक गायब है। पाजेब की पूछताछ की गई। घर में नौकर बंसी से पूछा गया तो उसने नकारात्मक उत्तर दिया और कहा कि आशुतोष एक पतंग और डोर का एक नया पिन्ना लाया था, बस फिर क्या था। पाजेब गुम की शंका आशुतोष पर होने लगी। आशुतोष 8 वर्षीय बालक था। आशुतोष से पाजेब के बारे में पूछा गया कि तुमने पाजेब लेकर छुन्नू को दी थी। भय और आतंक से ग्रसित होकर उसने इस बात को स्वीकार कर लिया, लेकिन जब उससे छुन्नू से पाजेब लाने को कहा गया तो उसने साफ कर दिया कि छुन्नू के पास नहीं हुई तो वह कहां से लाकर देगा। इस बात पर लेकर उसे छुन्नू के घर ले गया, परंतु छुन्नू ने इस बात को सुनते ही पाजेब लेने के संबंध में इनकार कर दिया। फिर आशुतोष ने बताया कि पाजेब 11 आने में पतंग वाले को दे दी, 5 आने छुन्नू को दिए, शेष पैसे उसने थोड़े थोड़े देने को कहा। ये बात लेखक की पत्नी ने लेखक को कार्यालय से लौटने की बात बताई। लेखक ने यह सुनकर, जैनेन्द्र जी ने इस बात को सुनकर अपने भाई प्रकाश को बुलाया और आशुतोष को 5 आने देकर प्रकाश के साथ जाकर पतंग वाले से पाजेब लाने को कहा। पतंग वाले ने इस संबंध में इनकार कर दिया, लेकिन
लेखक को संतोष नहीं हुआ। उसने आशुतोष को धमकाया और 1 रुपया देकर पतंग वाले के पास भेजा। आशुतोष ने साफ साफ कह दिया कि जब उसके पास पाजेब है ही नहीं तो वह कहां से देगा। इसी वार्तालाप के मध्य आशुतोष की बुआ आ जाती है, लेकिन लेखक ने आशुतोष को पतंग वाले के पास फिर भेजा और उसकी बुआ से बैठकर बातें करने लगा। उसकी बुआ ने अपनी बास्केट की जेब में से 1 पाजेब निकालते हुए कहा कि उस रोज ये पाजेब मेरे साथ चली गई थी। कहानी का कथानक संक्षिप्त होना चाहिए, वह यथार्थ जीवन की किसी घटना या संवेदना से उसका संबंध होना चाहिए। इस दृष्टि से पाजेब का कथानक संक्षिप्त है। इसमें पाजेब के खो जाने पर की घटना का जिक्र किया गया है। कहानी का कथानक यथार्थ जीवन से अपना संबंध रखता है। आशुतोष भय से पाजेब लेना स्वीकार कर लेता है, जबकि पाजेब बुआ के साथ चली गई थी। सबकी नजर, कोई भी घर हो, सबसे पहले गरीब पर, जो आपके यहाँ कामकाज कर रहा है, नौकर चाकर है, उसी पर शक की दूरी घूमती है। किसी ने चुराया है, उसी को डराया धमकाया जाता है, जबकि मालिक के हाथ द्वारा ही कहीं इधर उधर रखी हुई चीज पुनः मिल जाती है, परंतु उसको दंडित किया जाता है, चोरी का इल्जाम उस पर लगाया जाता है। ऐसे ही बुआ के पास ये पाजेब मिल जाती है। और कथानक के 4 साधन माने गए हैं, प्रारंभ, विकास और चरम सीमा तथा अंत। कहानी का प्रारंभ कौतूहल वर्धक होना चाहिए, घटना या समस्या का संकेत प्रारंभ में मिल जाना चाहिए। विकास में कहानी में वर्णित घटना या समस्या का रूप स्पष्ट हो जाता है। चरम सीमा कथानक का एक ऐसा स्थल है जहाँ प्रतिपाद्य संवेदनापूर्ण बन जाता है और अंत में पाठक प्रतिपाद्य में निश्चित अर्थ को समझ लेता है। कथानक के विकास की दृष्टि से कहानी का प्रारंभ पाजेब से ही होता है, जिसको पढ़ने से कहानी को आगे पढ़ने का आकर्षण रहता है। उदाहरण स्वरूप, बाजार में एक नई तरह की पाजेब चली है, पैरों में पड़कर वे बड़ी अच्छी मालूम होती है। उनकी कड़ियां आपस में लचक के साथ जुड़ी रहती हैं कि पाजेब का मानो निज आकार कुछ नहीं, जिस पांव में पड़े उसी के अनुकूल रहती है। कहानी का विकास पाजेब की कहानी लेकर अनवरत गति से होता चला गया। पूरी कहानी पाजेब खो जाने के चारों ओर घूमती हुई है। मैंने कहा कि चलकर वह उस कमरे में कैसे आ जाएगी, पूर्ण हो गई होगी, एक रखी होगी, एक कहीं गई फर्श पर छूट गई होगी, देखो मिल जाएगी, कहीं नहीं जा सकती। उसके बाद कथानक तीव्र गति को अपने में समाहित करके आगे बढ़ता है। पाठक की रोचकता कहानी के साथ बढ़ती जाती है। कहानी के छोटे छोटे संवादों में संजोए हुए चरम सीमा पर पहुंच जाती है, जहां पाजेब की खोज के लिए आशुतोष को दोषी ठहराकर कभी छुन्नू के घर तो कभी पतंग वाले के पास भेजा जाता है, लेकिन वास्तविकता में किसी का कोई सरोकार नहीं है। कहानी के प्रति एक उत्सुकता जागृत रहती है। मैंने उसे देखकर मारे गुस्से से कहा कि ले जाओ इसे मेरे सामने से, जाकर कोठरी में बंद कर दो। दुष्ट, खैर मैंने इस बीच प्रकाश से कहा कि तुम दोनों पतंग वाले के पास जाओ, मालूम करना कि किसने पाजेब लिए, होशियारी से मालूम करना, मालूम होने पर सख्ती करना, मुरव्वत की जरूरत नहीं है, समझे। इस प्रकार से पाठक की उत्सुकता अंत में चरम सीमा पर पहुंच जाती है। पाजेब मिल जाने पर उसकी संवेदना पात्र के साथ जुड़ जाती है। जिस नौकर को, जिस व्यक्ति को अभी तक शक की निगाह से देखा जा रहा था, जिस पर इल्जाम लगाए जा रहे थे, वह बरी हो जाता है और बुआ की टोकरी में ही पाजेब मिल जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।